हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। यान क्या घूम गया है? दो थी मामा के पास। यान को पिंस मिल गया, वो अंदर लाके इसने मामा को दे दिए हैं। यान मुझे नहीं दे सकते थे क्यों? आज कहाँ जा रहे हो आप बताओगे? मैंने कहा था इसको अपनी पॉकेट में रखो, मुझे चाहिए हो सकता है, ये चाहिए हो सकता कुछ। हाँ जी, बताएं कहाँ जा रहे हैं आज आप? आज हम जा रहे हैं एवेन्यू मॉल। तो क्यों जा रहे हैं हम एवेन्यू मॉल? क्योंकि आज हमने शॉपिंग करनी है लुलू। हमारे जो चार डेज का हॉलीडेज था, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इसमें हम रहे हैं बहुत ज़्यादा बिजी। पहले चाचू हमारे घर आए थे, फिर पुप्पू आई थी, उससे पहले हम लोग कहीं गए हुए थे, तो बीच में हम बिज़ी थे थोड़ा, इस वजह से हम ज़्यादा नहीं जा सके। तो आज संडे है जबकि हॉलीडेज बिल्कुल फिनिश हो गए हैं, तो आज पापा ने कहा कि हम चारों दिन कहीं नहीं गए थे, तो आज चलते हैं, तो आज हमें लेके जा रहे हैं। हम चलते हैं और आपसे मिलते हैं। पापा की कॉल आ गई है, थोड़ी देर पहले की थी, तो हम काफ़ी टाइम किया हमने बैठे रहे रेडियो के, उन्हें कॉल की तो बोले शॉप पर अभी कस्टमर है, तो अब वो फाइनली आ चुके हैं, तो अब हम जा रहे हैं बस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये इनकी लड़ाई, तू बाबा बाहर निकलेगी, आप ही मिडिल में बैठी। आप ये क्या अपनी किताबें लेके जा रही हो? पढ़ना था रास्ते में, पढ़ना था घर में, कभी पढ़ा नहीं आपने? मैंने, मेरा एग्जाम था ना, मैंने कहा पढ़ ले, चल पढ़ ले। अच्छा ये इसने पता क्या प्राइस करो? ये देखो कितनी बकवास करती है, फजूल बोलती है, इसको आदत है बोलने की। एंड गाइज, ये मेरा लास्ट व्लॉग होने वाला है, इसके बाद मेरे बहुत दिन के बाद व्लॉग आएंगे, सब मुझे क्योंकि एग्जाम्स होने वाले हैं मेरे। 5 को मेरा पहला पेपर है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, घर पे बैठ के एग्जाम की तैयारी करूंगी। पेपर क्या होता है तुम ये बताओ? तो आपकी कैसी तैयारी है? मेरी बहुत अच्छी। के लिए हम अयान जो है ना बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहा है पिज़्ज़ा खाना है, लेकिन हम कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खा रहे हैं क्योंकि अयान बच्चा, उसको अभी समझ नहीं है वो, फिर हम सोच रहे हैं कि उसको एक स्मॉल पिज़्ज़ा सिर्फ ले देते हैं। यहाँ पे तो नेशनल डे भी इस बार जो है काफ़ी अच्छा धूमधाम से सेलिब्रेट नहीं किया क्योंकि यही फ़िलिस्तीन और इसराइल की वजह से। अयान को मना रहे हैं कि ये नहीं खाओ, ये अच्छा नहीं है। देखो मान लिया, अयान को पता है। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए, सबको भूख लग चुकी है और बस घंटा नहीं होता, मैं निकली तो मैं भूख लगती है। मामा व्लॉग में कहना पड़ता है, व्लॉग में कहना पड़ता है, कह रही थी कि जाना कुछ खा लो, कुछ खा लो, भूख नहीं लगी। व्लॉग में बोल रही हूँ, आप सबको बता दो व्लॉग में हम कितना झूठ बोलते हैं। नहीं है ना, इसीलिए
घर में खाना नहीं पसंद ना, बाहर का खाना पसंद है। ऐसी बात तो नहीं है, यही मामा कितनी पर्पल पर्पल लग रही है, देख तो फिर पर्पल पर्पल सही है ना। आज हम आए द वन ऑफ माय फेवरेट रेस्टोरेंट फॉर एवर। तो गाइस हम आ चुके हैं गोल्डन स्पून। अब हम कितने अरसे बाद आए हैं यहाँ पे, किसी को कोई ट्रीट देनी है, कोई पार्टी देनी है तो इस रेस्टोरेंट में दे, पूरे ओमान में ये मेरा फेवरेट है। चुके हैं गाइस, हम बैठ गए हैं, ये चेयर है, ये टेबल है, ये स्पून है, हम बैठ गए। अरे कहना क्या चाहते हो? मैंने क्या खाना है जो आपका दिल चाहे वो लो। सबसे पहले फ्राइड राइस खाऊंगा क्या, तो मैं मिलती हूँ आपसे खाना खाने के बाद। ओके तो गाइस अभी हम जा रहे हैं घर पे, सो आज हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, सो इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ज़्यादा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, सो गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।